तो जैसे कि आप जामी हॉल देख रहे हैं, साथ में पब्लिक न्यूज, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिहार के राजधानी पटना में। जैसे कि गांधी मैदान में आज देश बचाओ लोकतंत्र बचाओ एक तरह से महा रैली थी भाकपा माले की। जैसे कि दूसरे राज्यों से भी एक तरह से डेलीगेट्स आए थे, दूसरे देशों से भी आए थे। इसी बीच यहाँ पर सिकटा मानाटार विधानसभा से हैं तमाम से एक तरह से सोशल वर्कर और एक तरह से अपने क्षेत्र के जबरदस्त सामाजिक कार्यकर्ता। असलम जी क्या कहेंगे, आज का रैली तो काफी पॉजिटिव रहा और आज का ऐसा माना जा रहा है कि 2024 का शंखनाद बजना शुरू हो गया विपक्ष का यहाँ से। आज का भाकपा माले का 11वां महाधिवेशन था और यहाँ पे देश विदेश से भी लोग पहुँचे हुए थे। इतनी काफ़ी संख्या में गरीब मजदूर किसान पहुँचे हुए थे कि इसको जितना भी कहा जाए कम है। और इससे उम्मीद किया जाता है कि 2024 में एकदम भाजपा को यहाँ से भगाना तय है। क्यों क्या क्यों लगता है कि 2024 में भाजपा भाग सकती है, जबकि अभी भी जो सांप्रदायिकता और एक तरह से राजनीति हो ही रही है? भाजपा ये ऐसा काम ही कर रही है कि जैसे रेलवे बेच दे रही है, सारी सरकारी संस्थाएं बेच दे रही है और बड़े बड़े पूंजीपतियों को लोन दे रही है और उसी से बेच भी रही है। तो ये जब सब चीज़ें हैं, ये सब गरीब मजदूर पे प्रभाव पड़ रहा है। और जब गरीब मजदूर हमारे देश के इकट्ठा हो जाएंगे तो भाजपा को तो भागना तय है ही। क्या लग रहा है कि आज की रैली कितना जबरदस्त संदेश जाएगा देश में भी और पूरे राज्य में, क्या आपको लगता है? बहुत अच्छा संदेश जाएगा और इससे उन लोगों को एकदम डर महसूस हो जाएगा कि ये बिहार से बुगुल फूंक गया है भाजपा को भगाने के लिए। और इसमें एकदम तय है कि 2024 में भाजपा भाग। जी पूर्व मुखिया निसार साहब क्या कहेंगे, जिस तरह से एक तरह से बहुत बड़ा रैली था और इसमें सामान्य वर्ग के तौर पर सभी गरीब गुरबा जनता आई हुई थी, बड़ा पूरा लाले लाल दिख रहा था यहाँ पर एक तरह से पोस्टर्स, क्या लग रहा है कि 2024 के बिगुल बज चुका है यहाँ से राजनीति, जो एक तरह से पॉजिटिव राजनीति शुरू हो चुका है? आज पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में एक ऐतिहासिक रैली हुई और हम कहेंगे कि गरीबों की ऐतिहासिक रैली हुई और इसकी संख्या अगर कहे तो लाखों कई लाखों में था। और सीधे सीधी ये संदेश है कि केंद्र सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जनता अब तैयार हो गई, अब जनता अपना कमर कस ली है। इसका शंखनाद हमारे बिहार से फिर शुरू होने जा रहा है और शुरू हो चुका है। महागठबंधन की सरकार जब से बनी, सभी दल अलायंस हुए और ये पहला रैली था महागठबंधन को ही हम कहे, उसके घटक दल CPIML का पहला ये रैली था और पहला शंखनाद था गांधी मैदान पटना में। और निश्चित रूप से 2024 में भाजपा सरकार भागेगी, इसमें कोई शक नहीं। ओके, लोकतंत्र के तौर पर लोकतांत्रिक चीज़ों पर हमला हो रहा है, जैसे कि आपको मालूम है कि कल BBC के ऑफिस पर एक तरह से ताला जड़ दिया गया है, वहाँ पर छापा मारा गया है, क्या लग रहा है कि एक तरह से पत्रकारिता भी एक देश इस देश में करना बहुत मुश्किल हो जा रहा है? बिल्कुल, अभी तो सबसे पहले लोकतंत्र पर जो अटैक हुआ तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो हमारा मीडिया है, पत्रकारिता है, सबसे पहले मोदी गवर्नमेंट राष्ट्रीय चैनल सबको, उन्होंने राष्ट्रीय चैनल को भी हैक कर लिया, बिल्कुल हैक करके एक गोदी मीडिया बना डाला। अब तो कोई स्वतंत्र पत्रकारिता रहा नहीं, कोई स्वतंत्र पत्रकारिता इस देश में रहा ही नहीं। एक BBC था जो स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता करता था, वो अपने घटनाक्रम को दिखाता था, लेकिन आज उसके ऊपर भी प्रहार है। इसको तो हम लोकतंत्र पर प्रहार ही बतलाएंगे कि BBC पर प्रहार करके ये लोकतंत्र पर एक प्रहार हो रहा है। जी हो रहा है जी, इस तरह के प्रहार को कैसे जनता झेलेगी? जनता तो एक तरह से अपने महंगाई में बेरोजगारी में त्रस्त है, तो आप जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे आवाम को कि जो लोकतांत्रिक हमला जो हो रही है इसमें मैसेज क्या देना है? सारे लोग समझ चुके हैं अब क्या राजनीति हो रही है। मजदूर बहुत यहाँ पे परेशान हो रहे हैं, मजदूरी नहीं है, नरेगा में मजदूरी नहीं है। तो जब गरीब मजदूर किसान अगर एक साथ हो जाएंगे
तो फिर यहाँ से तो किसी भी सरकार को भगा सकते हैं। देखिए ये है अंदाज, खास तौर पर सिक्का मनाटान विधानसभा के तमाम एक तरह सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अपने अपने फील्ड में एक तरह से प्रसिद्धि हासिल है और इनकी बातों को कहीं ना कहीं आवाम और गांव की जनता जरूर गौर से सुनेगी समझेगी। बहरहाल लगातार मैं आपको बिहार से पूरा दुनिया से आपको एक एक चीज़ के अपडेट्स देता रहूँगा। देखते रहें जामिया वर्ल्ड, साथ में पब्लिक न्यूज़, मैं मोहम्मद तस्लीम, बिहार के राजधानी पटना गांधी मैदान से। चलिए भागिए।